आज आज इसको ये देखो, आज ये जेल पहुंच चुका है। क्या हुआ बेटा तुम्हें? ये है फिल्म सिटी ऑफ जम्मू। अभी तक मोमो खाने चले नहीं ना मैं मोमो नहीं चलते यार, ये दोस्ती के नाम पे ना कलंक है। ये बिजनेस है, हिसाब अपनी जगह, हिसाब अपनी जगह। Hi everyone, welcome back to my channel Catch Up with Rishika. जब भी मैं गाड़ी में बैठ के ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो क्वाइट ऑब्वियस होता है, या तो मैं शूट पे जा रही हूँ या तो मैं किसी ट्रिप पे जा रही हूँ, बट ये व्लॉग शूट पे है। सो बिहाइंड द सीन्स अब क्या क्या करते हैं आपने मेरे व्लॉग्स में तो देखा ही है, आज एक और व्लॉग है और बिहाइंड द सीन्स वाला व्लॉग है। सो आज का व्लॉग भी इसी पे बेस्ड है कि हम बिहाइंड द सीन्स क्या क्या करते हैं। हम बहुत सारी मस्ती करते हैं लेकिन आज कुछ डिफरेंट होने वाला है। आज हम एक अमेजिंग से सेट पे जा रहे हैं अपना शूट करने के लिए, और जैसे कि आपको पता है कि फेस्टिव सीजन आने वाला है तो सारा जो व्लॉग है आज का वो हर एक फेस्टिविटी पे होगा और हम बहुत सारा फन करने वाले हैं। सो लेट्स सी, अभी मैं अपनी टीम का वेट कर रही हूँ। सो जैसे ही मेरी टीम आती है वैसे ही हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। वैसे बहुत लेट हो चुका है, हमें आज बहुत सारा चीज़ें हमें शूट करनी है और उसके साथ साथ हमारा मेन फोकस रहेगा टू कंप्लीट टुडेज़ टास्क, क्योंकि दिवाली कुछ ही दिनों में है, आज 4th हो चुकी है और दिवाली 12 को है और वी डोंट हैव मच टाइम एंड वी हैव सो मच टू शूट। बट एज ऑलवेज हमारे पास शूट के लिए बहुत सारा काम होता है और जो दिन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन इस बार हम लोग पूरा 100% देंगे कि हम टाइम से पहले सब कुछ ख़त्म करके अपलोड करते हैं। आज हमें ये दिखाएगा फिल्म सिटी, मतलब इस ये करने से तुम्हारी पहचान बदल जाएगी या तुम बदल जाओगे? मैं बदलूंगा। ये चूही यहाँ पे आपको मिल सकता है कभी भी कहीं पे भी, रात में 12 बजे भी। नाइस, ये है फिल्म सिटी ऑफ जम्मू। जेल जाना है आपको? मेरे को तो तेरी हरकतें देख के लगता है तू ही जेल जा सकता है। जिस किसी को भी इसको जेल भेजने का मतलब मन था ना, आज आज इसको ये देखो, आज ये जेल पहुंच चुका है। क्या हुआ बेटा तुम्हें? ऐसी हरकतें क्यों करते हो? आज के बाद मुझे मनाली नहीं जाने दिया जाएगा। मनाली तो छोड़, जो तेरे पीछे जम्मू के लोग पड़े हैं ना वो देख के बहुत खुश होंगे। तुम्हारा क्या क्या कहना है इस चीज में? अरे ये कहना है कि नहीं, इसको जेल नहीं होना चाहिए यार, इसको जेल होगी आपका काम रुक जाएगा। है ना? है ना? मैं बचा रहा हूं, कमीशन दे देना थोड़ी सी। सो शूट हमारा स्टार्ट हो चुका है और हम लोग हाफ शूट कर चुके हैं और अब हम वेट कर रहे हैं कि हमारा सेटअप रेडी हो और हम लोग नेक्स्ट शॉट हम अपना शूट करें। और अभी सारे डिस्कशंस हो रही है कितनी लाइट चाहिए, कैसी लाइट चाहिए, बिकॉज हम हमेशा या तो आउटडोर शूट करते हैं या तो अपने घर पे शूट करते हैं, और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग प्रॉपर सेट यूज़ कर रहे हैं फॉर द शूट, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, बिकॉज आई लव एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस स्टफ वेयर वी एक्चुअली हैव टू क्रिएट एवरीथिंग, वी एक्चुअली इवन हैव टू यू नो ब्रिंग ऑन द लाइट्स एंड सेटअप एंड एवरीथिंग विच इज़ नॉट इन आर हैंड। सो दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू इन दिस। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो मोर अबाउट दिस व्लॉग। हमारा सेटअप तैयार हो रहा है और देखो, मतलब मैं बना रही हूँ तो तुझे समझ नहीं आ रहा मैं बना रही हूँ ना वीडियो। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, तुम क्यों ना व्लॉग बना रहा हूँ? तुम मुझे क्यों कॉपी कर रहे हो? पहले किसने बनाना शुरू किया? पहले मैंने। अच्छा मतलब अब हम यहाँ हाँ, बट आज किसने किया? कॉपी मत कर, कॉपी मत कर, कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हें नहीं समझ आया अभी तक? मोमो खाने चले नहीं ना मैं मोमो नहीं चलते यार, ये वाली टैग लाइन हम नहीं यूज करते, कॉफी और मोमोस। तुम फोन नीचे करो पहले अपना। चलो तो हमारा शूट हो गया है खत्म और आगे मतलब हमारा शूट चलना था लेकिन हमारे साथ एक मरीज है जिस वजह से हम लोग शूट आगे का कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। ये है वो मरीज इंसान,
आज ये बीमार है जिसकी वजह से हमें शूट को रोकना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो तुम? ये बाद में जा रहा है, आज थोड़ा ना जा रहा है। जा रहा है तो इसका मतलब क्या, तब तक बीमार रहेगा? शूट हो गया ना कंप्लीट। हाँ, ये सिनेमाटोग्राफर है, एडिटर है, बड़ा अच्छा संभालता है, उससे पहले ही एक्टर है। हाँ, एक्टर तो है, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। और ये हाँ हाँ एक्टिंग तो ये हर बार करता है, तो इसका मतलब तू बीमार नहीं है। अभी की बहुत प्रॉब्लम है। कौन बुला रहा है? ऑटो। अगर बेटा, अगर तेरे को मैंने देख लिया ना आदित्य भैया के साथ कुछ भी शूट करते हुए, सॉरी डालेंगे ये भी डायरेक्टर है ना यार, ये मेरे साथ ऐसा मत करो यार, सच्ची बताओ, क्योंकि मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको कंटेंट दे रहे हैं? कंटेंट नहीं, बड़ा इम्पोर्टेंट है सच में। आपका टाइम बढ़ रहा है। अच्छा मतलब तू यहाँ पे बैठने के भी पैसे लेगा? यार देखो मेरी बात सुनो, दोस्ती होती है ना, ये दोस्ती के नाम पे ना कलंक है। ये बिजनेस है, हिसाब अपनी जगह, हिसाब अपनी जगह। मतलब फिल्म सिटी आके यहाँ पे अगर बैठ के इससे बात कर रहे तो ये उसके भी पैसे चार्ज कर रहे हैं। आप शूट के लिए आए हो, आप उसके लिए बात कर रहे हो। हमारा शूट हो गया ना, हम चले गए वहाँ से तुम्हारे सेट से बाहर। हम यहाँ पे सॉरी, हम यहाँ पे आके तुमसे बात कर रहे हैं, हम सेट से बाहर निकल गए। अब भी तुम्हें पैसे चाहिए हमसे? अभी दिए नहीं ना, ट्रांसफर नहीं रहता। बहुत बदतमीज़ है ये। सो बिफोर गोइंग बैक टू माई वर्क, आई जस्ट थॉट ऑफ सेइंग हाई टू माई फ्रेंड। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात तब हो जाती है जब आपकी दोस्त एक बहुत अच्छी डिज़ाइनर हो, तो आपको ना कपड़ों की टेंशन नहीं होती, क्योंकि आप उसको उससे यू नो फ्री के काम करवा सकते हो, क्योंकि बचपन की दोस्त है। अब वो क्या ही करेगी, बचपन के राज इतने सारे होते हैं। तो और जब आपकी फ्रेंड एक इन्फ्लुएंसर हो तो उसको भी डर रहेगा कि यार यू नो कुछ बोलना दे ये। सिपिका सोनी जो है वो मेरी फ्रेंड का नाम है, उसकी ये बुटीक है, उसने अभी अभी रिसेंटली खोली है। और अगर आपको एड्रेस जानना है सो जब आप गांधीनगर से आते हैं तो आरबीआई का, तो आरबीआई तो सबको पता है, वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा पार्क है। सो जैसे ही आप पार्क क्रॉस करते हो, और सबसे बेस्ट लोकेशन है त्रिपुरा नगर पुलिस स्टेशन, बस उसके सामने वाली पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाना। अगर आपने कुछ गलती की है तो पुलिस स्टेशन चले जाइए, ये कंप्लेन लिखवानी है। लेकिन अगर आपको इसके बुटीक पे आना है तो उसके सामने वाली लेन में आप एंटर करेंगे, एंटर होते ही बहुत सारी आपको केमिस्ट की शॉप्स मिलेंगी। तो केमिस्ट की शॉप क्रॉस करते ही आपको सिपिका सोनी का बुटीक मिलेगा। अंदर मैं आपको नहीं लेके जाऊंगी, सिर्फ मैं जाऊंगी अंदर, क्योंकि अभी ओपनिंग संडे को होनी है, तो ओपन होने से पहले हम कुछ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसने बोला है, नहीं तो मैं तो घर ही देती हूँ, मेरा क्या जा रहा है। तो मैं जाती हूँ अंदर और अपनी फ्रेंड को हाय बोलती हूँ, तब तक आप देखो, वेट करो कि मैं आगे और कहाँ लेके जाती हूँ। वैसे जाना तो मुझे शॉप पे ही है, लेकिन देख। सो आई एम बैक टू माई स्टोर, और चाहे मैं जो भी करूँ, जैसे भी करूँ, कहीं पर भी रहूँ, शूट के बाद मुझे आना कहाँ होता है, अपनी ही जगह पर काम करने के लिए। सो आज का दिन की अगर बात करें तो इट वॉज वेरी हैक्टिक, और थोड़ा बहुत मैं डिसअपॉइंटेड भी हूँ, बिकॉज मैंने सोचा था कि आज हम दो शूट करेंगे, बट सिंस विक्रम वॉज नॉट वेल और मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं डालना था उस पर, सो आई थॉट कि अभी हम एक ही चीज़ शूट करते हैं और उसके बाद हम लोग कल दो शूट कर लेंगे, बिकॉज दिवाली बहुत पास में है और मैं चाहती हूँ कि दिवाली से पहले वो सारा जो भी कॉन्टेंट हमने डिसाइड किया आप लोगों के लिए वो बाहर आ जाए। सो दिस वॉज फॉर टुडे, एंड आज मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था फिल्म सिटी का, एंड फील्स गुड टू सी दैट इवन फॉर क्रिएटर्स लाइक मी वी हैव सोर्सेज इन आर ओन सिटी एंड वी डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर। जैसा भी चाहें हम लोग क्रिएट करवा सकते हैं फिल्म सिटी में। सो अगर आपको भी मन है कि अपने हिसाब से आपको कुछ सॉन्ग या मूवी या डॉक्यूमेंट्री या कोई भी शूट करवाना है और आपको प्रॉपर अमेजिंग सा सेटअप चाहिए, तो आप फिल्म सिटी जाकर अपने हिसाब से आप शूट करवा सकते हैं और सेटअप भी करवा सकते हैं, दे हैव एवरीथिंग। तो ये था अपडेट आज का, एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, और नहीं भी लगा हो प्लीज़ टू सपोर्ट मी, यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, कीप वॉचिंग द होल व्लॉग्स विच आई स्पेशली क्रिएट फॉर यू गाइज। Do tell your friends to subscribe my channel as well, and keep supporting me and keep loving me as you always do. So, मिलते हैं अगले vlog में, और मैं थोड़ा सा और मिर्च मसाला लेकर आऊँगी अगले vlog में, because अगला vlog will be related to shopping. Yes. So, till then, bye bye, take care and keep smiling.